क्रिकेट स्टेडियम कैसा होता है? हाँ हाँ, राउंड राउंड होता है, चारों तरफ बैठने का जगह होता है, लेकिन ऊपर क्या रहता है? ऊपर रहता है खुले आसमान। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक क्रिकेट स्टेडियम ऐसा भी है जो कि इंडोर क्रिकेट स्टेडियम जैसा है? जी हाँ, और उनको हम तोल सकते हैं लंदन ब्रिज के साथ। जी हाँ, लंदन ब्रिज के साथ एक क्रिकेट स्टेडियम का क्या संबंध हो सकता है? लेकिन यहाँ पर आप मैच क्यों नहीं देख पा रहे हैं? शायद आपने कभी सुने भी ना हो। तो चलिए, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक इंडोर स्टेडियम की बातें, जिसके लिए आपको जुड़े रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी पे, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। ये जो स्टेडियम है, इनका नाम है डॉकलैंड स्टेडियम। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसे एक सुपर हीरो स्टेडियम भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेडियम का अभी नामकरण किया गया है मार्वेल स्टेडियम। क्यों? तो चलिए सुनते हैं। असल में ये क्रिकेट स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1997 के अक्टूबर के महीने में। ये ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया की मेलबोर्न में स्थित है, तो इसीलिए इनिशियली इनका नाम विक्टोरिया स्टेडियम रखा गया था, या सबके मुंह में गूंजा जाने लगा। लेकिन 2000 साल में जब ये स्टेडियम कंप्लीट हुआ, तब इस स्टेडियम का नाम रखा गया था कॉलोनियल स्टेडियम, 2002 तक था। उसके बाद टेलस्ट्रा डोम रखा गया था 2009 साल तक। उसके बाद एतिहाद स्टेडियम रखा गया था 2009 साल से 2018 साल तक। और अभी इनका नेमिंग राइट मार्वल के पास है, इसलिए इसे मार्वल स्टेडियम नाम रखा गया है फिलहाल। ये स्टेडियम में क्रिकेट, फुटबॉल और रग्बी भी खेला जाता है। ये तो सब है आउटडोर गेम, तो यहाँ पर कैसे? इस स्टेडियम के ऊपर एक रिमूवेबल छत है, जिनको जब चाहे लगा सकते हैं, जब चाहे खोल भी सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने शायद देखे होंगे लंदन के जो ब्रिज है, जिसे लंदन ब्रिज भी कहा जाता है, थेम्स नदी के ऊपर है ये ब्रिज। और जब नदी से लॉन्च स्टीमर या फिर जहाज जाता है, तब ये ब्रिज को उठा लिया जाता है। जहाज जाने के बाद वापस इस ब्रिज को लगाया जाता है। इसी तरह से ही इस स्टेडियम का रूप में यही होता है। ये जो स्टेडियम का रूप है, ये रूप ओपन होने में सिर्फ 8 मिनट लगता है और क्लोज होने में भी सिर्फ 8 मिनट ही लगता है। यानी अगर कोई खेल के दौरान बारिश होता है, तब उससे निपटने के लिए ये जो रूप है वो रूप लगवा दिया जाता है। और बारिश जाने के बाद फिर से वापस 2005 साल में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मैच हुआ था, जहाँ पर माइक हसी ने एक छक्का मारे थे। हालांकि वो छक्का नहीं हुआ था, वो बॉल जाकर स्टेडियम के रूप में टकराया और इस बॉल को डेड बॉल करार दिया गया था। 2000 साल से लेकर 2006 साल तक यहाँ पर कुछ ही इंटरनेशनल मैचेस खेला गया था। पहला इंटरनेशनल मैचेस भी खेला गया था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और आखिरी इंटरनेशनल मैच भी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ही खेला गया था। लेकिन बाद में और कोई मैच नहीं खेला जाता है यहाँ। हालांकि आईसीसी के पास यहाँ पर खेलने के लिए बार बार बोला गया था ऑस्ट्रेलिया बोर्ड की तरफ से, लेकिन आईसीसी नहीं माने थे, क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ अकेले लौटा वो एक स्टेडियम था जहाँ पर ऐसे क्रिकेट खेलने देना दूसरे कंट्री के खिलाफ होगा। तो वो ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड 11 के बाद कोई भी मैच ही नहीं वहाँ पर इंटरनेशनल टाइप का। हाँ, वहाँ पर बीबीएल मैच होता है, बीबीएल यानी बिग बैश लीग। मेलबोर्न रेनेगाड्स का होम स्टेडियम है ये मार्वल स्टेडियम, 2011 साल से उसका होम स्टेडियम है ये। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, बुरा लगा है तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। आपको क्रिकेट या स्पोर्ट्स के बारे में और क्या जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मुझे इंतजार करेगा दोस्तों आपके कमेंट का।